हम सभी जानते हैं कि एंटीलिया के सामने जो बॉम्ब की गाड़ी पकड़ी गई और उसके बाद कुछ इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ। उन घटनाओं में एपीआई सचिन वाजे अरेस्ट हुए, एटीएस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया और कई चीजें इसमें से बाहर आई। और इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह, इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और उस पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली के टारगेट्स ये गृह मंत्री जी ने एपीआई वाजे और उनकी टीम को दिए थे और उसी के चलते एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो कोर्ट में भी गए। कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे और जो ट्वीट पवार साहब के हैंडल से हुए उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटीन थे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बताया भी है, ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे, उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है। 17 फरवरी में जो लिखा हुआ है तो भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी अपने सोई अनुसार, अजित पवार जी मुंबई, शरद पवार जी पुणे, नितिन गडकरी जी दिल्ली और अनिल देशमुख जी इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 बजे मोटर इन्हें सह्याद्री गेस्ट हाउस से आगमन और ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है जिसमें वापिस, चूंकि ये सारे जेड प्लस प्रोटेक्टिव होंगे इसलिए इन्हीं का नाम इसमें आता है, फिर कोश्यारी जी, उद्धव ठाकरे जी, कोश्यारी जी मुंबई, उद्धव ठाकरे जी सोई अनुसार, अजीत दादा पवार सह्याद्री अतिथिगृह 15 बजे 3 बजे, शरद पवार साहब मुंबई, नितिन गडकरी जी दिल्ली, अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटर इन्हें निवासस्थान से मंत्रालय जाना, सोई ने निवासस्थान परत देना। अब ये मैनिफेस्ट है, गए कि नहीं मुझे पता नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में एसएमएस का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड
व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एच एम सर, और उसमें एसीपी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई, और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृहमंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे, कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है।